दोस्तों बड़ी खबर, गुर्जर समाज पहुंचेगा हजारों की तादाद में जंतर मंतर मार चंद्रशेखर आजाद के सम्मान में। हाँ दोस्तों, आज गुर्जर समाज के कई समाज सेवियों ने, कई लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसकी जानकारी दी है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी ने। वो लिखते हैं ट्विटर पर, 21 जुलाई दिल्ली जंतर मंतर चलो। आज गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और हजारों की संख्या में गुर्जर समाज भी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में हजारों की संख्या में जंतर मंतर पहुंचेंगे। तो दोस्तों ये देखिए वीडियो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज हमारे बहुत ही सीनियर समाज सेवी और किसान नेता आंदोलनकारी बड़े भाई प्रकाश प्रधान जी और हमारे मकोड़ा गांव के पूर्व प्रधान रहे भाई राजू भाटी जी, भाई सुधीर भाटी जी पूर्व प्रधान रहे मकोड़ा गांव के, और अपने सैकड़ों साथियों के साथ, ये साथी पीछे सारे युवा साथी भी हैं, पीछे भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं, सैकड़ों साथियों के साथ कुछ बसपा पार्टी विचारधाराओं को छोड़कर, कुछ समय इन्होंने बसपा में काम किया, कुछ साथियों ने भारतीय जनता पार्टी में काम किया, उसकी विचारधारा को छोड़कर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आज आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं परिचय भी करा दूं, हमारे साथ हमारी पार्टी के जो प्रदेश भीम आर्मी जो संगठन है उनके प्रदेश सचिव भाई कपिल आजाद जी हैं, आप मंडल अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के वीरेंद्र आजाद जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष पुलिस गोविंद जी हैं, और तो ये जो हम पूरे देश में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जाकर, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे जंतर मंतर पर बहनों की लड़ाई हो, पहलवानों की लड़ाई हो, चाहे अन्याय हो, चाहे पूरे देश में जहां भी जरूरत होती है वहां जाते हैं, आंदोलन करते हैं और जो न्याय दिलाने का काम करते हैं, तो उसी विचारधारा से प्रभावित होकर इतने सारे आज सैकड़ों साथियों ने आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मैं प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते सभी का स्वागत करता हूँ आजाद समाज पार्टी में, और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में आपने अपनी आस्था जताई, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।